हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ का साइंस सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 48 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 23 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपका जो प्रीवियस वर्कशीट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वही चैप्टर और वही वर्कशीट आज भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का वर्कशीट है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन अबाउट वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी इज द कम्बिनेशन कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। मतलब वैलेंसी जो है ना, क्या होता है वैलेंसी, एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन और लॉस्ट। जैसे सपोज डेट आप यहाँ देखिए, सोडियम और कैल्शियम क्लोरीन, ये दोनों ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये अपने जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे, मतलब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, और फुल फिल्ड हो जाएगा। अब देखिए, वन है मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू 10 एंड देन डिक्रीज टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, वैलेंसी कितना, 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्युमिनियम का 3 है और सिलिकॉन का 4 है और फास्फोरस का 3 है और सल्फर का 2 है और क्लोरीन का 1 और आर्गन का आपका 0 है, राइट। तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन द ग्रुप, वैलेंसी क्या होता है, ये रिमेन सेम होता है, राइट। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, एटम के जो रेडियस होता है उसको बताता है और इट मे बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल को ये क्या करता है, विजुअलाइज करता है। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है इन ए पीरियड बिकॉज दे ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड हेंस द साइज डिक्रीज। जैसे थर्ड पीरियड में देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, तो एटॉमिक रेडिया यानी एटॉमिक रेडियस जो है ना, ये पीएम होता है यानी पिकोमीटर होता है, ये कितना होता है, 186 होता है, 160 होता है, 143, 118 और 110 और 104 और 99 क्लोरीन का, ठीक है। तो ये कितना क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब देखिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज दे न्यू सेल्स आर बींग एडेड एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये देखना है फ्रेंड्स, जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम, ये जो है ना एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है। जैसे लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, 231 है, किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, राइट। इसे आप अच्छे तरीके से देखिए। अब देखिए, अब आपको ये देखना है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक कैरेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम को, मेटल को, वो मेटालिक कैरेक्टर कहलाता है। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटल जो है ना LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है, और ऑन द मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, द मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। अब आप देख पा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज एज वी गो डाउन एंड द ग्रुप ऑफ एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज चार्ज इन डिक्रीज।
अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स आर द इलेक्ट्रो निगेटिव, दे आर टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटालिक ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। नॉन मेटालिक क्या होता है? पीरियडिक टेबल के राइट साइड होता है। पीरियडिक टेबल आप, आपके पास पीरियडिक टेबल है जो चैप्टर 5 जो ये चैप्टर चल रहा है इसको आप देखेंगे, उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, पूरे पीरियड में ये इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डैट द मीन्स द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्सपीरियंस्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दस द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। द इन द मिडिल ऑफ द पीरियडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल और मेटलॉइड बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक मिडिल जो आप जो पीरियडिक टेबल में दिखाता है, ठीक है, और वो मेटल और मेटलॉइड के होता है। अब देखिए ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक। मेटल ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है, जबकि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ देख, अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये होगा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी? हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? वैलेंसी का मतलब क्या होता है और ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं? तो राइट, इसे ही देखते हैं। आइए, साइंस वक्त नंबर 48, इजी विथ इजी सॉल्यूशन, आसान तरीके से सॉल्यूशन यहाँ मिलता है बच्चे। अब देखिए, ये अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका आंसर है। इसका ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए, अभी अभी क्वेश्चन सेकेंड पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी? तो ए नंबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द वैलेंसी, ठीक है, ये हो गया। अब हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन एज ए ग्रुप बट द चेंज अक्रॉस द पीरियड। इस और उसके बाद आप ये देखिए, एन एलिमेंट वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर सेल। विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इफ द आउटर मोस्ट सेल हैज लेस देन आर इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स देन द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एंड इफ द आउटर मोस्ट सेल हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन देन द वैलेंसी इज 8 द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ से पहले देखते कंफर्म करते एकदम करेक्ट है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट? हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप? गिव रीजन्स फॉर वेरिएशन। आपको रीजन भी देना है, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू मीन बाई मेटालिक कैरेक्टर? हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप? गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। अब देखिए, तो मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, अभी अभी मैंने बताया था। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों, डिक्रीज होता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही आसान है। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ग्रुप एंड द मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल? गिव रीजन, फोर्थ क्वेश्चन है। गिव रीजन, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप बिकॉज द न्यू सेल्स बींग एडेड एंड दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। द एटॉमिक साइज ऑफ द रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड द पीरियड बिकॉज द ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द नंबर न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल।
अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही इजी है। देखिए, फोर एलिमेंट पी क्यू आर एंड एस हैव एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। आंसर द फॉलोइंग, द व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू एंड द क्लासीफाई दीज एलिमेंट एज ए मेटल और नॉन मेटल और विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। देखिए फिफ्थ नंबर का ये देखिए क्वेश्चन ये है, फोर एलिमेंट पी क्यू आर एस टी एन एस हाई एटॉमिक रेडी। एक सेकेंड, क्वेश्चन हमने वहाँ से पढ़ लिया, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से हमने पढ़ लिया है ना। चलिए, हैव एटॉमिक नंबर, हैव एटॉमिक नंबर है ये, यहाँ से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन, हैव एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 एंड रिस्पेक्टिवली, इसका आप आंसर देना। चलिए देखिए, पहला क्या होगा, पी एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम होगा, क्यू एटॉमिक नंबर 13 एल्युमिनियम होगा, आर एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन होगा और एस एटॉमिक नंबर आपका 15 है, फास्फोरस होगा। तो ए, क्यू हैज़ वैलेंसी 3 बिकॉज इट हैज़ द 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड द पी द इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन फिगर, इसी का 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 3 हो गया, और बी का जो है ना पी है तो पी का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 2 होगा फॉस्फोरस का। क्यू का जो कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3 होगा और हैव द टेंडेंसी टू गिव अप द इलेक्ट्रॉन, हैव द बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल, आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5 होगा, इज ए नॉन मेटल बिकॉज दे हैव द अब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टिव, और पी एंड क्यू विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे आर मेटल बट वी विल मेक मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।